What's up amigos, welcome back to our YouTube channel. It's me Himanshi और मन्ने अभी है नहीं क्योंकि उसकी बाहर ट्यूशन चल रही है. यार मैं तो सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को मैं रात को मतलब सो ही नहीं पाती हूँ अब तो. सीरियसली मतलब मैं सुबह सोई हूँ 4 बजे. क्या करें यार. सॉरी फ़ोन कॉल आ गया था बीच में. हाँ तो क्या कह रही थी मैं, हाँ मैं सुबह 4 बजे सोई. मतलब रात को पता नहीं नींद नहीं आती है, एक चेहरा सोने नहीं देता. मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत ले लेना प्लीज़. सो अभी रमन्या बाहर है और अभी बस मैं तो मैं आज अपने सर से भी मिलवाती हूँ, जिन्होंने मतलब हमारे वो फैमिली सर हैं सच में, जिन्होंने मेरी दोनों बड़ी बहनें पढ़ाई हैं. मेरा जो कज़न भाई है उसको पढ़ाया है, मुझे पढ़ाया है, आयुष को पढ़ाया है और फिर अब रमन्या की बारी है. सो होता है ना फैमिली, क्या कहते हैं उसको, फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली शेफ और हाउसमेट, बड़ी हमारे फैमिली ट्यूशन टीचर हैं तो मैं उन सभी मिलवाती हूँ. सो गाइस सॉरी, ये मेरे सर हैं ट्यूशन सर. हाँ मेरे, हाँ मतलब रमन्या के अब है और अब आपके तो अब है ना, आपके अब नहीं है ना सर. बताओ मैं कैसी थी पढ़ाई में. काफी हार्ड वर्किंग लड़की थी, ज्यादातर होमवर्क नहीं करती थी लेकिन वैसे बहुत अच्छी थी. और सर झूठ मत बोलो, मैं होमवर्क नहीं करती थी. ओबीडिएंट वहां तक छोड़ने जाती थी, नंबर वन करती है सबकी. एब्सोल्युटली शी इज अ जेम, काइंड जेम गर्ल. और काफी बड़ा आलम हुआ करता था, सारे दुनिया के दुख मुझसे बांटती थी. अभी भी बंद नहीं हुआ है. अब इनकी सिस्टर, स्मॉल सिस्टर, यंगर सिस्टर बोलते हैं, स्मॉल सिस्टर. अरे यंगर सिस्टर वो पढ़ रही है मेरे पास. हाँ मैंने बताया, मैंने कहा पूरे फैमिली ट्यूशन सर रहे हैं हमारे. ये सब बता दिया आपने. ये जो है ये भी काफी तेज है, ये जो बैठी है देख लिया इतना उनका होमवर्क करने में, इनका भी स्टेक काफी कम है. सारा आगे चेक करते सही होता है मेरा होमवर्क. ये छुट्टी बोल रहा है, छुट्टी बोल रही है. ओह बट अच्छी सर, आज सारी पोले खुलेंगी. बारिश इतनी पसंद है ना कि कुछ भी मत पूछो, बट जो मच्छर आते हैं ना उसमें वो आई डोंट लाइक. भाई मेरे पैर लिटरली मच्छर खा गए हैं. ब्रश भी कर लो साहब. नहीं मेरा खाना शुरू भी नहीं हुआ, मैं सब लेके आई और इनका खत्म है. तो मैं आपकी तरह घंटे नहीं लगाती ना खाना खाने में. मैं उधर मम्मी को भी नहीं रहती, मैं दे भी रही थी वहां पे खाना. खाना खा के आप सब. ये देखो गाइस, एक हफ्ता घर बैठने का नतीजा, भिंडियाँ काट रही हूँ मैं. ओ यार अच्छा मैं क्या कह रही थी, मेरी वर्स्ट मतलब वर्स्ट नहीं मैं कहूँगी, ऐसे किसी खाने को गलत नहीं कहते हैं, बट मेरे को भिंडी बिल्कुल नहीं पसंद. मतलब मैंने इतनी भिंडी देखी है ना जिसके घर में, वो अपने और पलक के. सच बता पलक मतलब स्कूल में हर दूसरे दिन भिंडी, मतलब उसके घर में, मतलब घर में ऐसे नहीं कि भाई उसके उसकी वजह से उसके घर में सिर्फ भिंडी ही बनती थी, और अब हमारे घर में आयुष और अमन्या की वजह से मतलब भिंडी 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 भिंडी. मैं इतना इरिटेट हो चुकी ना भिंडी देख के कसम से, जितना मैं कभी भी नहीं हुई. तो मतलब मैंने भिंडी बचपन में खाई है काफ़ी, बट अब तो मैं देखती भी नहीं हूँ भिंडी की तरफ, अच्छी नहीं लगती मुझे. चलो ठीक है, हमारे ब्लॉग में बिना रहे भी हमारे ब्लॉग में होती है, बिना रहे भी उसका जिक्र तो ब्लॉग में होना ही होना है. रीडिंग डन,
जहनतो जहद के बाद पलक दीदी हमारे बर्थडे पे ना आने की वजह से. हमारे बर्थडे को कितने हफ्ते हो गए? देखो 3 हफ्ते हो गए. दो नहीं, सेकंड सैटरडे को हमारा बर्थडे था, थर्ड सैटरडे फोर्थ सैटरडे 2 हफ्ते. सेकंड को हमारा बर्थडे, सेकंड सैटरडे को हमारा बर्थडे था, थर्ड सैटरडे निकल गया, ये फोर्थ सैटरडे है. और ये अब आ रही हैं. कल आया था फ़ोन मेरे को भी कि सॉरी रमन ने, मुझे कुछ पता चला कि हम इसे नाराज़ हो. मैंने कहा हाँ तो बर्थडे पे नहीं आओगे तो यही होगा राइट. शी इज़ द लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्वर्सेशन क्योंकि इनके हाथ में है बुक जो ये पढ़ भी नहीं रही है अभी फिलहाल. मैं पढ़ रही हूँ अभी. कौन इनको कौन अगर साइंस पढ़ानी है ना ऐसी बुक में साइंस लिख के दे दो तभी साइंस पढ़ेंगी. इसलिए शेल्डन कूपर का भी वो हुआ था फिजिक्स या वो नहीं पढ़नी इनको बायोलॉजी. बायोलॉजी पढ़नी बायोलॉजी है वो. फोन आ रहा है. मम्मी का फोन आ रहा है. वेट फिक्स बाहर रह गए. मम्मी का फोन आ गया था तो मेरे नस चढ़ गया. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट इज इट. Interesting. Fuck. जब मैं कैमरा बंद कर रही तो अभी चुप है. जब मैं कैमरा ऑन कर रही इनका कुछ ना कुछ क्या करूं मैं इनका. तो मैं भूल गई कि मैंने क्यों ऑन किया था कैमरा. अच्छा मैंने इसलिए कहा था कि मम्मी का फोन आ गया था सो आई वाज हैड टू से सॉरी. कुछ बताना था पर मैं भूल चुकी हूँ मेरे को क्या बताना था. सो ये सबके साथ होता है वैसे आई गेस. सर मेरे साथ नहीं होता है कि भूल जाते हैं बताना. यार मेरे चश्मे में गंदी लगती है शक्ल छी. आई लव माय स्पेक्स. तो गाइस रात तो पहले सोच रही थी बट हम सुन रही हैं. और दीदी गई थी मम्मी पापा के कमरे में बुक मार्क लेने. ऑब्वियसली सब सो गए थे तो मम्मी ने हमको पैर दबाने के रुकवा लिया. मैं उस कमरे में नहीं जाने वाली अब. तो पापा सो रहे अगर मेरी आवाज़ तेज आई तो मुझे डांट पड़ जाएगी. ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज स्लीपिंग स्केड्यूल. सो मैं वीडियो को ऐप पर तो फिलहाल एंड करने रही थी. मेरे को बहुत तेज़ नींद 1:30 बज रहा है रात के. एंड मैं ज़्यादा लेट तक नहीं उठती हूँ. मैं वैसे ज़्यादा देर तक उठा जाता हूँ सिर्फ पढ़ने के लिए अगर उठना तो उठना वरना आई एम अर्ली टू बेड एंड नॉट अर्ली टू वेकअप. दो मेरे को जल्दी उठना पसंद नहीं है. सो जब फिलहाल वीडियो एंड करते हैं लंबा हो जाएगा वरना. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. बी श्योर गिव इट अ बिग थम्स अप. और मैं एंडिंग कर रही थी भाई. मेरा बुक मार्क नहीं मिल रहा. गुड नाइट बोल दो फिर मैं बंद करूँ. गुड नाइट बोल दो ना बंद करूं. गुड नाइट शब खैर शुभ रात्रि भी बोल दो. और बुक मार्क ढूंढते में रहो. मैं कहां ढूंढूं कुछ बनाऊं उसको ना. बाय बाय गाइस गुड नाइट एंड पीस.